नमस्कार दोस्तों, द्वारका में मॉडर्न एज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स की काफ़ी कमी रही है। सेक्टर 14 में जब वेगास मॉल 2019 में लॉन्च हुआ था तो कोविड के सेटबैक के बाद भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस निकल करके आया है। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि द्वारका के पास मॉडर्न एज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की कमी रही है। जो ऑप्शंस थे वो DDA के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस थे जो कि अब पुराने हो चुके हैं और गर्मियों में, सर्दियों की रातों में वहाँ पर जाकर के शॉपिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग होता था। फुटफॉल यस था ज़रूर, बट लोग वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते थे। इसकी वजह से वेगास मॉल चल निकला। अगर मूवी थिएटर्स की बात करें तो कोई अच्छा थिएटर भी नहीं था द्वारका में, मॉडर्न एज थिएटर नहीं था, तो वहाँ पर वेगास मॉल विन विन सिचुएशन दे गया। अब ऐसे केस में अगर आपको कहा जाए कि एक और शॉपिंग मॉल लॉन्च हो रहा है सेक्टर 19B में, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको रेंटल 19-12% के आसपास मिलेगा। तो साउंड्स लाइक अ ल्यूक्रेटिव डील, राइट? इस पर एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर मैं प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल की बात करूँ तो ये 50 एकड़ में फैला होगा। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी DDA बना रहा है PPP के मॉडल पर, बट 20 एकर्स के आसपास यहाँ पर कॉमर्शियल डेवलपमेंट प्लान है जहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर पर 150 शॉप्स मिलेंगी, फर्स्ट फ्लोर पर 110 के आसपास और सेकेंड फ्लोर पर 10 शॉप्स मिलेंगी। ये सारे डिटेल्स जो हैं वो टेंटेटिव हैं, यूनिट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि अभी तक दिल्ली रेरा अप्रूवल नहीं आया है। तो जैसे ही इसका अप्रूवल आ जाएगा तो सारी डिटेल्स आप रीवेरीफाई कर लीजिएगा। बट आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज थी और ब्रोकर लॉबी काफ़ी इसे प्रमोट करने में तत्पर है, तो आई थॉट कि क्यों ना आप लोगों को इसके रिगार्डिंग एजुकेट किया जाए कि बीइंग इन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर टोटल शॉप के ऑप्शंस की बात करें, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट वैरायटी, टोटल 250 के आसपास शॉप्स निकल करके आते हैं। 60 लाख से आपकी स्टार्टिंग है लीजिंग के केस में, जो कि जाती है 6-7 CR तक। अगर आप नॉन लीजिंग वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो ऑप्शन स्टार्ट्स एट 50 CR, राइट? तो ये एक मिडिल क्लास और HNI के लिए आउट ऑफ बजट हो सकता है। बट स्टिल, अगर बाय चांस आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी प्रॉपर्टी में, तो आप मेरी वेबसाइट www.harekrishnadikshit.com पर बिजनेस इंक्वायरी कर सकते हैं या कंसल्टेशन इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं अपनी स्ट्रेटजिक एक्सपर्टीज से आपकी इसमें हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट अगर मिडिल क्लास और यूट्यूब जनता की बात करें, जो कि जनरली हैं, उनका बजट मोस्ट प्रॉब्ली 60 लाख से शुरू होकर के 2-5 CR के आसपास तक का होगा, जहां पर आपको सिर्फ लीजिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। तो क्या आपको लीजिंग के ऑप्शन में जाना चाहिए? क्या फ्रूटफुल होगा आपके लिए? बेहतर रिटर्न देगा, नहीं देगा? इस पर आज डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो बड़ी भी हो सकती है, ऑलरेडी आई थिंक 5-7 मिनट में शूट कर चुका हूँ, बट और भी लंबी जा सकती है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड, राइट? अब काफ़ी सारी शॉप्स हैं ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ पर एयर कंडीशनिंग के ऑप्शंस ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। जो अंदर की शॉप्स होंगी, जो सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वाली ऑप्शंस होंगे, जहाँ पर हो सकता है आपको फूड कोर्ट बड़ा वाला मिले, थिएटर वगैरह मिले, कुछ रिक्रिएशनल स्पेसेस मिले किड्स के लिए, तो उसके केस में आपको वहाँ पर एयर कंडीशन अपार्टमेंट्स या शॉप्स मिल सकती हैं, राइट? सॉरी, नॉट अपार्टमेंट। अब लोकेलिटी की बात करें तो सेक्टर 19B एक पॉश एरिया होने वाला है, फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि वहाँ पर गोल्फ कोर्स है, भारत वंदना पार्क डेवलप हो रहा है। आज के डेट में थोड़ा सा आपको अंडर डेवलप लग सकता है, बट यहाँ पर जो DDA का नया गोल्फ कोर्स कॉन्डोज अपार्टमेंट आया था वो भी इसी की प्रॉक्सिमिटी में पड़ता है, और DDA इसको आने वाले टाइम में और भी अच्छे से डेवलप करने वाला है, तो रियाशी और बढ़ेगी। आज भी एग्जिस्ट करती है, तो दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया ऑफ द्वारका। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर आपको फुटफॉल अच्छा मिलेगा, लोग आएंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे। अगर आप यहाँ पर शॉप ओन कर सकते हैं तो एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास लीजिंग में नॉन लॉकेबल और लॉकेबल स्पेसेस के ऑप्शन मिलते हैं। अब नॉन लॉकेबल स्पेसेस हैं जहाँ पर आपको एक छोटा सा
मे बी जैसे पान वाली दुकान होती है, एक छोटा सा स्पेस मिलेगा जहाँ जिसे कि आप ताला वगैरह नहीं लगा सकते हैं, और आपको जो भी इंटीरियर है मॉल का उसके हिसाब से इंक्लाइन होना पड़ेगा। इस तरीके की शॉप्स हैं तो उसका कोई फिज़िकल पोजीशन वैसे भी नहीं मिलने वाला, तो ऐसी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर इससे बड़े शॉप्स की बात करूँ तो यस, 100 स्क्वायर फीट, 200, 500, इवन 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस जाते हैं, बट ये सारे ऑप्शंस लीजिंग के हैं। इसका आपको फिज़िकल पोजीशन भी नहीं मिलेगा, सिर्फ लीगल पोजीशन मिलेगा कुछ टर्म्स पर। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरी तरफ से आप पर्सनल सलाह लें तो आपको इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, भले आप 60 लाख कर रहे हैं या 5-6-7 CR के आसपास कर रहे हैं। अब मैंने क्यों डायरेक्टली मना किया इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, रीज़न है कि प्रमोटर को DDA ने ये 99 ईयर्स की लीज़ पर ऑफ़र किया है। जो भी लीज़ अमाउंट वगैरह है इस पर क्लैरिटी नहीं है, बट यस, प्रमोटर इज़ लाइबल टू पे सम अमाउंट टू DDA ईच एंड एवरी ईयर। जो आपको ये ऑफ़र की जाएगी वो 9 ईयर्स की लीज़ पर की जाएगी, जो कि 3 बार बढ़ाई जा सकती है, दो बार और बढ़ाई जा सकती है, तो टोटल 27 ईयर की लीज़ पर होगा। अब वो 27 ईयर की लीज़ ओमैक्स अगर चाहे तो 3 बार और बढ़ा सकता है, मतलब टोटल 90 ईयर्स के आसपास का आपके पास ऑप्शंस है। और जो बचा हुआ पीरियड है 99 ईयर्स तक की लीज़ पर है, जो बचा हुआ पीरियड है वो ओमैक्स में भी अपने पास रखना चाह रहा हो रीडेवलपमेंट राइट्स वगैरह के लिए। ये आपको 9 साल के लिए मिल रहा है। जैसे ही आप 5-6 साल के आसपास टाइम कंप्लीट करेंगे तो आपके शॉप की वैल्यू डिप्रिशिएट होती रहेगी, स्पेशली अगर 27 साल का भी देख लें। ऐसा सुनने में लगता है कि 27 साल बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बट अगर आपने 10 साल भी रखा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होने के बजाय डिप्रिशिएट भी होने लग सकती है। इट इज़ लाइक अ कार ओनली, अगर कोई चीज़ डीजल की कार जैसे दिल्ली में 10 साल के आसपास ही आप चला सकते हैं, तो 5वें-6वें ईयर के बाद से उस एसेट की वैल्यू काफ़ी डाउन आने लगती है, 9 और 10वें में तो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। नेक्स्ट, अगर मैं एग्रीमेंट के टर्म्स की बात करूं तो ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल्स पर होंगे। आप अपना टेनेंट नहीं चूज़ कर सकते। फ़र्ज कीजिए अगर आपका कोई बिजनेस है, आप साड़ी वगैरह बेचते हैं और आप चाहते हैं कि क्यों ना मैं ही एक अपनी दुकान वहाँ पर खोल लूँ क्योंकि मैं ये शॉप ओन करता हूँ, तो मे बी ओमैक्स आपको अलाउ ना करे, क्योंकि जो भी टेनेंट है वो ओमैक्स ही चूज़ करेगा, वही उसे लीज आउट करेगा। और लीज आउट करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर है, जितना भी उसे लीज रेंट मिलेगा अप टू 90% वो आपको ट्रांसफ़र करने की कमिटमेंट तो कर रहे हैं, 10% एज अ कमीशन रखना चाहते हैं, बट अभी उसमें मेंटेनेंस का कुछ भी क्लियर नहीं है। मेंटेनेंस उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कितनी होगी ये ओमैक्स डिसाइड करेगा, किस तरीके के मेंटेनेंस होंगी वो भी ओमैक्स ही डिसाइड करेगा, उस मेंटेनेंस में क्या इंक्लूसिव होगा क्या एक्सक्लूसिव होगा ये भी ओमैक्स ही डिसाइड करेगा। हो सकता है जो ओमैक्स के एम्प्लॉयज़ हैं वो यहीं के मेंटेनेंस फंड से अपनी सैलरी पा रहे हों, तो मेंटेनेंस हाई हो सकता है। आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर कोई चीज़ ऑफर की जाएगी तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा, मतलब पहले ओमैक्स अपना हिस्सा रखेगा फिर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से पेंटालूंस ने आपके स्पेस को रेंट किया है, वो टेनेंट हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि पेंटालून विल बी डायरेक्टली पेइंग अ रेंटल इन योर अकाउंट एंड आफ्टर रिसीविंग योर रेंटल यू विल बी पेइंग मेंटेनेंस एंड ऑल अदर स्टफ, जैसा कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में होता आया है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के केस में होता आया है। यहाँ पर प्रमोटर ही सब कुछ अपनी तरफ से कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके बीच में दो एग्रीमेंट साइन होंगे, एक आपके बीच में BBA का एग्रीमेंट साइन होगा और एक लीजिंग के लिए एग्रीमेंट साइन होगा। BBA में आपको ये क्लियरली स्टेट किया गया है कि इसका फिजिकल पोजीशन आपको ऑफर नहीं किया जाएगा और कुछ टर्म्स पर लीगल पोजीशन ऑफर किए जाएंगे, और इसकी ओनरशिप भी क्लियरली BBA में मेंशन होगी कि आप इसे ओन नहीं करते, मतलब आपका कब्जा नहीं है उस पर और आप इसे आपकी खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एग्रीमेंट ही इस तरीके से फॉर्म किया गया है जिससे कि ओमैक्स
जो भी टेनर है इसका 99 इयर्स तक का, वो हर समय बॉस बना रहे। सेकंड जो एग्रीमेंट आपके साथ साइन किया जाएगा वो लीज एग्रीमेंट होगा, और इस एग्रीमेंट में अनलिमिटेड टाइम के लिए रेंटल की ओनरशिप आपसे ट्रांसफर कर ली जा रही है। मतलब यू विल नॉट बी अलाउड टू रेंट दिस प्रॉपर्टी, ओनली प्रमोटर विल बी अलाउड टू रेंट इट। अब अगर इस पूरे सिनेरियो को एक साथ समझे कि डीडीए ने प्रमोटर को प्रॉपर्टी दी लीज पर, और अब प्रमोटर इसे आपको लीज पर दे रहा है और राइट्स अपने पास रख रहा है लीजिंग की, मतलब आप यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मे बी एक अगर मैं टर्म यूज़ करूँ तो पार्टनर इन लॉस है, मतलब जो इनिशियल कैपिटल उसे उस डेवलप करने के लिए चाहिए, लीजिंग करने के लिए चाहिए, उसके लिए आपने उसने बुला लिया, और जब रिलीजिंग करेगा वो इसकी, तो जो भी प्रॉफिट आएगा पहले अपने पास रखेगा, मेंटेनेंस वगैरह कट करने के बाद आगे वो ट्रांसफ़र करेगा। अब गारंटीड रेंटल की बात कर लेते हैं। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखने को आ रहा है कि वो 33 टू 36 मंथ्स की आपको गारंटीड रेंटल्स देंगे 9 to 12%। यस, वो निगोशिएट होगा, किसी केस में 9%, किसी केस में 12%, बट अगर 36 महीने बीत गए तो उसके बाद क्या, उसके बाद अगेन वो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है, अगर नॉन गारंटीड पीरियड में आपकी प्रॉपर्टी लीज पर नहीं जाती है तो उस केस में क्या होगा, क्या आप मेंटेनेंस पे करेंगे, ड्यू होगा मेंटेनेंस पे करना, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो रिस्क हैं बिल्डर अपने पास ना रख करके, प्रमोटर अपने पास ना रख करके, वो हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। अब ये भी क्लियर नहीं है कि अगर कोई टेनेंट वहाँ पर आता है, लेट्स से वापस एग्जांपल ले लेते हैं, कोई हल्दीराम का लेट्स से शॉप खुल गया, और अगर हल्दीराम बैंक्रप्ट हो जाती है और वापस से वो लीज़ वगैरह पे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप वापस से रिस्क पर आ जाएंगे। लेट्स से अगर ओमैक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन ही बैंक्रप्ट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, इस पर भी चीज़ें क्लियर नहीं है। ओमैक्स खुद वहाँ पर क्या कर रहा है, आई एम नॉट श्योर। आपको ये सोचना चाहिए कि इस तरीके की यूनिट्स और ऑप्शंस आपको ऑफर ही क्यों किए जा रहे हैं, जब वेगस मॉल, जो कि मैंने इस वीडियो का स्टार्ट किया, वेगस मॉल जब लॉन्च हुआ था तो वो किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ऑफर नहीं किया गया था, क्योंकि देवर वेल अवेयर्ड अबाउट द मार्केट सिनेरियोज कि यस ये मॉल चल जाना है। यहाँ पर आपको क्यों ऑफर किया जा रहा है इस तरीके की शॉप्स ऑन लीज बेसिस, ये पूछने की ज़रूरत है। मैं एक हिंट देना चाहूँगा कि कोविड के बाद से जो कॉमर्शियल स्पेसेस हैं वो हमेशा से डिक्लाइन स्पेस में जा रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रीट्स हैं, वो इस तरीके की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। यस, वो कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस तक ही सीमित रखना चाहते हैं अपने आप को, और कुछ सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ ही चूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसे केस में जैसे प्रमोटर 250-300 यूनिट ला रहा है, और वहाँ पर जो अच्छी यूनिट्स हैं, जो बड़े साइजेस की 1500-1000 स्क्वायर फीट वाली जो यूनिट्स हैं ग्राउंड फ्लोर वगैरह की, उस केस में भले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बुक कर लिए जाए, बट जो बाकी शॉप्स हैं उसे कौन लेगा। अब बीइंग एन रियल एस्टेट एक्सपर्ट, हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर शॉप आपकी ग्राउंड फ्लोर पर है, फ्रंट रोड फेसिंग है, तो यस आपको लेनी चाहिए, अच्छी चलेगी। बट इस केस में मैक्सिमम शॉप्स ग्राउंड फ्लोर पर हैं, ग्राउंड फ्लोर पर जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि ठंडियों में और गर्मियों में दोपहर के टाइम पर शॉपिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो लोग भले आएंगे बट वो जो एयर कंडीशनड एरिया है उसमें ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, और वहाँ पर बड़ी शॉप्स भी आपको मिलेंगी। तो थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग कि आपको ये क्यों ऑफर किया जा रहा है, इससे पहले वेगस मॉल या किसी तरीके के कॉमर्शियल्स होते हैं वो क्यों नहीं ऑफर किए गए थे, इतनी जो ब्रोकर लॉबी है इसको प्रमोट करने के लिए क्यों पीछे पड़ी हुई है। अगर इतना ही अच्छा प्रोजेक्ट है तो इन्होंने चांदनी चौक में भी एक कॉम्प्लेक्स डेवलप किया था, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप किया था, उस केस में जो वहां के बायर्स हैं अगर वो खुश हैं, अच्छा रेंटल्स एंड रिटर्न्स पा रहे हैं, तो हार्डली 200-250 यूनिट्स हैं, उन्हें ही यहाँ पर ख़रीद लेना चाहिए, राइट। तो वो लोग क्यों नहीं इंटरेस्टेड हैं, चांदनी चौक में बहुत अमीर लोग रहते हैं, जब
दैट टू अ बिजनेस ओनर्स लोग रहते हैं, जब वहां पर भी लॉन्च हुआ तो जब सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ पता चला तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप फिर भी अभी भी इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक लॉयर हायर करें, या अगर आपका कोई फैमिली लॉयर है तो उससे बात करें, जो इनका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनेगा, जो इनका लीज एग्रीमेंट बनेगा और 3-4 और डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन करवाएंगे ही करवाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स साइन करने से पहले अपने लॉयर से एक बार रिव्यू करा लें, अगर वो ग्रीन सिग्नल देते हैं तभी इस ट्रांजेक्शन को करें। ऑप्शंस जी, जेन्युइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप 50 CR के आसपास का बजट रखते हैं, दिल्ली सस्ता मार्केट नहीं है, चीप मार्केट नहीं है, ना ही अफोर्डेबल है। आप अगर गुड़गांव में आएंगे तो यहाँ पर आपको 30-40-50 इवन 2-3 करोड़ में एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। बट अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यस, ये दिल्ली है साहब, आपको यहाँ पर 2-3 करोड़, 5 करोड़ में कुछ नहीं मिलने वाला। यू शुड लुक टूवर्ड्स गुड़गांव और नोएडा। और कमर्शियल की बात करें तो गुड़गांव आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए, बट यस, अगर आपको नोएडा वगैरह में कुछ ऑप्शंस मिल रहे हों तो आज के डेट में भी देखा जा सकता है। बट कुछ भूटानी इंफ्रा वाली चीज़ें नहीं बोल रहा, जहाँ पर आपको फूड कोर्ट के स्पेसेस मिलते हैं, छोटी शॉप्स मिलती हैं थर्ड फ्लोर वगैरह पे, इस तरीके की चीज़ों को मैं नहीं कह रहा, बट वहाँ पर आपको भी चूजी होने की ज़रूरत है। अच्छे ऑप्शंस यस हैं कॉमर्शियल में, बट अगर आप बजट 2-3 करोड़, 4 करोड़ के आसपास लेकर के चल रहे हैं तो आई थिंक आपको रेजिडेंशियल की तरफ रहना चाहिए या दूसरे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ रुख करना चाहिए। अगर आप रियल इस्टेट के नाम पर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल बाद आपको आपके ही फिनेंशियल एडवाइज़र बोलेंगे कि ये आपने कौन सा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जहाँ पर कि रिटर्न ही 5-6% के आसपास है, इससे अच्छा तो आप FD कर लेते, राइट? तो कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज़ करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप दूसरे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ देखें, चाहे वो सिक्योर डेट्स हों, चाहे वो इक्विटीज़ हों, कई बार वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे जाएंगी रादर देन सच प्रोजेक्ट्स। तो आपको सोचना चाहिए कि इतने लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं हार्डली 200-250 यूनिट के लिए, राइट? तो डोंट बी फूल बाय देम। स्टे ट्यून्ड टू दिस यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं ऐसे ही रियल एस्टेट से रिलेटेड एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं। अगर आपकी कोई जेनरिक क्वेरी है तो फील फ्री टू राइट डाउन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो मैं नीचे फॉर्म्स का लिंक दे रहा हूं, प्लीज़ फील फ्री टू फिल दैट फॉर्म सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने ब्रोकर्स के साथ शेयर कीजिए कि किस तरीके की बातें मैं कर रहा हूँ। 1 साल पहले एक कृष्णाराज राव जी हैं, उन्होंने इस तरीके के एग्रीमेंट के फ्लॉज पर बात की थी। मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूँ, या यू कैन हेल्प योरसेल्फ आउट बाय सर्चिंग हिज नेम कृष्णाराज राव। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। सी यू, बाय।